हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन विजन आईएएस पीटी 365 का हम इकोनॉमी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बेसिकली हमने एनवायरनमेंट और कल्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसका हमने एक मैराथन सीरीज भी दोनों की बना दी है, आप उसे भी एक बार में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली जो पीटी 365 होती है इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आज इकोनॉमी कवर करने वाले हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कौन सी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं, तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, उसका एस्टिमेशन इंडिया में कैसे किया जाता है। बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन इस टर्म से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रियल GDP में ग्रोथ 7.8% की देखी गई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2023 से 24 के बीच में। अब हम जो प्रेजेंट GDP का कैलकुलेशन इंडिया में करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है दो तरह की GDPs होती हैं, एक रियल होती है एक नॉमिनल होती है। बेसिकली एक GDP होती है जिसमें कि इन्फ्लेशन का असर नहीं होता, और एक होती है जिसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है ये यहाँ पर इसको किस तरह से कैलकुलेट करती है, वो GVA आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड पढ़ा होगा, उसके क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करती है। बेसिकली कॉन्स्टेंट प्राइजेस होते हैं, कब से कब तक का बेस ईयर रखा गया है, 2011 से 12 तक का रखा गया है रियल GDP के लिए, और करंट प्राइजेस किसके लिए रखे जाते हैं, नॉमिनल GDP के लिए, ठीक है ना। तो दोनों में ये कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, GVA कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिड, कितना वैल्यू में एडिशन हुआ है वो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है GDP डिफ्लेटर, आपने पढ़ा ही हुआ है कि नॉमिनल GDP और रियल GDP का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, GDP डिफ्लेटर कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन आ जाती है आपको। इट रिवील्स द इंक्रीज इन द GDP दैट हैज हैपेंड ऑन द अकाउंट ऑफ अ हायर प्राइजेस रादर देन एन इंक्रीज इन द आउटपुट, मतलब कि कितना प्राइस में बढ़ोतरी हुई है ये बताता है, ये नहीं बताता है कि दाम में क्या बढ़ा, मतलब ये नहीं बताएगा कि आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के, वो यहाँ पर आपको शो करता है, ठीक है। अब जो GDP का कैलकुलेशन होता है उसको चेंज किया गया है 2014-15 में। यहाँ पर बताया गया कि 2015 में जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, CSO जिसको कहते हैं, उसने एक नई सीरीज लेकर आए हैं नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के लिए। जो बेस ईयर था पहले 2004-05 था, उसको अब 2011-12 कर दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। बेस ईयर मतलब जिसके जिस पर हम कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं कि उस समय इतनी थी तो अभी कितनी होगी, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो यहाँ से ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लेटेस्ट रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 ने, उन्होंने बोला कि कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो होती हैं वो भी हमको यहाँ पर जारी करना चाहिए, उन्हें भी हमको मानना चाहिए जब हम बात किसकी कर रहे हैं, नेशनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक टर्म था लेकिन GDP पे क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फिर आता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नीति आयोग निकालता है ये आपको पता होना चाहिए, और कब से निकाल रहा है, 2005-06 से नीति आयोग इसे जारी कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पेपर नेशनल MPI यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए, ठीक है। अब देखिए मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है उससे यहाँ पर हम कुछ डेटा यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं जिसके बेसिस पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक डिक्लाइन देखा गया है, बोला गया है स्टीप डिक्लाइन आया है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो पर। अब बेसिकली हेड काउंट रेशियो की बात कर लें तो ये होता है कि जितनी भी जनसंख्या है जो कि हमारी पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे लाई करती है, दैट इज़ नोन एज द हेड काउंट रेशियो। हमारी जो कहना चाहिए पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली जितनी लोग हमारी गरीबी रेखा के नीचे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। तो वो रेशियो जो है वो अब कितना हो गया, उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला, मतलब अच्छी बात है ये। तो 2023 में अगर मैं बात करूँ तो 11.23% यहाँ पर देखने के लिए मिला है। हमें बहुत डेटा याद नहीं रखना है क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में डेटा से आप रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर पढ़ते चलें, ठीक है ना। 9 साल से इंडिया यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहा है, स्केप्ड
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखिए, इतने लोग जो हैं इंडियंस, 24.82 करोड़ इंडियंस वो इससे बाहर रहते मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हम कहना चाहिए जनसंख्या का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमको कितना समय लग जाता है, 10 साल में हमारा सेंसस आता है, तो इतना टाइम तो ये लगाती नहीं है, जल्दी रिपोर्ट आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यहाँ पर ऑल्सो वो भी डिक्लाइन हुई है कि कितना इंटेंस कहना चाहिए पॉवर्टी है, तो वो भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला हुआ है। और हेड काउंट रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, फास्टेस्ट रिडक्शन देखने के लिए मिला है मल्टी डायमेंशनल पुअर में। अब यहाँ पर जब इसको ध्यान रखेंगे, जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट निकालता है तो इसमें 12 इंडिकेटर्स नीति आयोग शामिल करता है। यहाँ पर कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग को हाईएस्ट डेप्रिपिएशन लेवल, मतलब इस पर हमको ज़्यादा फोकस करके हम निकालते हैं। फिर चाइल्ड एंड एडोल्सेंस मोर्टेलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट, इस पर लोअर डेप्रिविएशन रहता है हमारा। बेसिकली जो हमारा SDG का टारगेट 1.2 है, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय द ईयर ऑफ 2030, उस पर हम फोकस करके यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला ये कब निकाला गया था, तो 2021 में ये डेटा निकाला गया था, जिसमें आप लोग ने सुना होगा नेशनल यहाँ पर हाउसिंग के बारे में जो आया था हमारा 4 करके जो डेटा निकल कर आया था 2021 में, वो फर्स्ट एवर नेशनल MPI था हमारा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्लोबल इंडाइसेस के बेसिस पर कुछ रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ भी की जाती हैं, वो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 12 इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, तो याद रहेगा आप लोगों को। तो हेल्थ में आपको 3 इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो बेसिकली हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक सिंगल मेंबर हाउस होल्ड आइडेंटिफाइज अननूट्रिशन, एक सिंगल मेंबर भी किसी एक घर का अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ सकता है ना। यहाँ पर उसका बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, विमेन का कितना होना चाहिए, मैन का कितना होना चाहिए, चाइल्ड का कितना होना चाहिए, देन उसके बाद चाइल्ड एडोलसेंस एंड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, इन पर बेस्ड हम यहाँ पर चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। फिर हम एजुकेशन को एक टर्म रखे हुए हैं, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना था बच्चे का, स्कूल अटेंडेंस कितनी थी, देन उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूंगी तो यहाँ पर कुकिंग फ्यूल पर हम बात करते हैं, सैनिटेशन पे बात करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारे टर्म्स जो है एक बार याद कर लीजिएगा किस किस पर बेस्ड होकर निकाला जाता है, ठीक है। फिर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली 2.73 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनकी मनी फ्रॉम 2011 to 2023 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यहाँ पर टारगेटेड बेनिफिशियरी के पास पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में इधर उधर पैसा हो गया, टारगेटेड बेनिफिशियरी के अकाउंट पर पहुँचा है। बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर यह काम किया गया था, 2003 में इसे लॉन्च किया गया, फुल्ली इम्प्लीमेंट होने में 2014 का समय लग गया है, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन करके है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द सेक्रेटरी यहाँ पर काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके इनेबलर्स फॉर DBT में क्या हो, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एक जाम करके आता है जिसमें अलग अलग योजनाएं आती हैं, जनधन योजना, आधार योजना, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रिनिटी, इनको ध्यान रखना है आपको, तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बेसिकली कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, टाइमली मैनर पर हो जाता है, वेल टारगेटेड रहता है, उसी के पास पहुँचता है, लीकेज प्रूफ रहता है, बीच का डेटा इधर उधर नहीं पहुँचता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग इंक्रीज़ किए गए, जैसे हमने पेटीएम के बारे में पढ़ा था, है ना, ये पेमेंट बैंक्स हैं, तो ये भी यहाँ पर इनका पेनिट्रेशन भी बढ़ गया, लोगों को उसका यूज़ करना आ गया है, मोबाइल मनी का यूज़ करना लोगों को आ गया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, तो जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करेंगे तो इस सेशन में आपको लखपति दीदी स्कीम्स याद आ जाना चाहिए, जो कि 2 करोड़ वुमेन के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है स्किल डेवलपमेंट के तहत, ठीक है ना। ये अभी लॉन्च की गई है 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अभी हमारा जो बजट आया था उस पर भी इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर विमेन को 1 लाख रुपीज़ का पर एनम यहाँ पर हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से अटैच्ड है और वहाँ पर कुछ लोगों के स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल LED बल्ब मेकिंग का काम कर रहे हैं, सिल और हम प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स, इन सब का काम कर रहे हैं, उसमें हम यहाँ पर विमेन को स्किल कर रहे हैं। अब और कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं SHG के लिए, सोशल हेल्प ग्रुप्स के लिए, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई गई थी, ये पता होना चाहिए, 2011 में आई थी।
फिर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया गया था 2016 में, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाई गई थी 2011 में, देन उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में चलाई गई है, वुमनिया इनिशिएटिव 2019 में आया है, एंड सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग रोल्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 2023 में चलाया गया है। योजनाएं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, योजनाओं पर फोकस रहता है, ठीक है ना। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब देखिए, एक चीज़ आएगी तो उससे कनेक्टेड आपको दूसरी चीज़ भी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा किसके द्वारा, ये एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस मॉडल्स होते हैं जो कि नाबार्ड के द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया था। अब लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उसको हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसके कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे तो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी और सेंसिटाइजेशन ऑफ अ बैंक ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर को भी किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स में सहयोग प्रदान करना, तो उसके बारे में बात करी गई है ना। बेसिकली जो रूरल बैंक्स की ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर ट्रेनिंग एंड पोजिशनिंग की जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा न्यूज़ में था, जो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, तो माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू, ये एक रिपोर्ट जारी करी गई है, इसको ध्यान रखने की, किसने की है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN ने इसको जारी किया है, तो ये रिपोर्ट याद रखेंगे, नई तरह की है, अभी तक आप लोगों ने सुनी नहीं, इसलिए इसके बारे में अगर कुछ डेटा आया है तो पता होना चाहिए। ये नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो हमारी NBFCs होती है उससे कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और बेसिकली माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए, माइक्रो मतलब छोटी है ना, तो लो इनकम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को यहाँ पर हम लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग से अदर तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसका सेक्शन वन कम्प्लीट होता है, पार्ट वन हमने इकोनॉमिक्स का कम्प्लीट कर लिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इन्वायरमेंट का और कल्चर का सेक्शन देखना है तो उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा, हमने उसका मैराथन ऑलरेडी आपके लिए लिया है, जो भी हम पढ़ाते हैं अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की PDF ईजिली अवेलेबल हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।